हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पायल प्रेम सोलंकी में। तो आज मैं आपको हमारे माधव लल्ला का श्रृंगार और किस तरह से इनको मैं तैयार करती हूँ वो दिखा रही हूँ। हमेशा मैं आपको इनका स्नान करते हुए वीडियो दिखाती हूँ, श्रृंगार का नहीं दिखाया है कभी। तो आज मुझे लगा आपको श्रृंगार करके मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह से माधव का श्रृंगार करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी माधव लल्ला को स्नान करवाकर टॉवल में लपेट लिया था और उनका अंग पोषण अच्छे से कर दिया है। इनको अच्छे से साफ करने के बाद में मैंने इनको वाइट कलर की निक्कर पहना दी है और अब मैं उनको पोशाक पहना रही हूँ। ये पोशाक मैंने ही सिली है, गोटापत्ती फैब्रिक की है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इस तरह से मैं माधव लल्ला को पोशाक पहना रही हूँ। इसकी चोली साथ में ही अटैच है तो आसानी से और जल्दी से पोशाक पहना सकते हैं हम, और चोली ढूंढने की टेंशन भी नहीं रहती है। पूजा से पहले मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े वो पहले से डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या पहनाने हैं। इनकी स्माइल देखिए, इनकी मुस्कुराहट देखिए, बड़ी प्यारी सी और मनमोहक मुस्कुराहट आ रही है हमारे माधव लल्ला की। आज हमारे माधव लल्ला ने न्यू ड्रेस पहनी है आज, इसलिए इनकी स्माइल कुछ अलग ही है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने पोशाक माधव लल्ला को पहना दी है। और पूजा की शुरुआत जब भी आप करें, एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर ले। देखिए, ये जो दीपक प्रज्वलित हैं, ये दो दीपक मेरी पूजा की शुरुआत से लेकर अंत तक ये दीपक प्रज्वलित रहते हैं। पूजा में दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है, दीपक हमारे पूजा के साक्षी रहते हैं और जो भी हम क्रिया करते हैं वो सभी उसके साक्षी रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर के इयररिंग्स पहनाए हैं माधव लल्ला को, और उसके बाद में मैं उनको कंठ हार पहना रही हूँ, शॉर्ट हार पहना रही हूँ। बहुत ही सुंदर सा ये हार है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, और बहुत ही आसानी से आज हमारे माधव लल्ला श्रृंगार करवा रहे हैं। इनको भी पता है कि आज माता हमारा वीडियो बना रही हैं तो हम भी अच्छे से श्रृंगार कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी लड्डू कान्हा की लीलाएं अलग हो जाती हैं, जैसे कि कभी मैं इयररिंग्स इनको पहनाती हूँ तो बार बार गिरने लगते हैं, हार पहनाती हूँ तो वो भी बार बार गिरने लगता है। ये इन्हीं की लीला है, जब उनको नटखट पन दिखाना होता है तब वो नटखट बन जाते हैं, और जब उनको अच्छे से रहना है तब वो अच्छे से रहते हैं। जैसे बच्चे करते हैं ना, वैसे ही इनकी लीलाएं होती हैं, क्योंकि इनका बच्चों का स्वरूप है। तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग हार पहनाया है, शॉर्ट हार पहनाया है। अब मैं वैजयंती की माला पहना रही हूँ। माधव लल्ला कृष्ण भगवान को वैजयंती की माला अति प्रिय है। आपके पास लड्डू गोपाल हो तो उनको वैजयंती माला जरूर से अर्पण करें। इसके बाद में मैं तुलसी के लकड़ी के बने हुए कंगन पहना रही हूँ। मेरे पास डायमंड वाले कंगन भी हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यही कंगन पहनाकर रखती हूँ। जैसे कि तुलसी दल कभी मैं पूजा में सेवा में डालना भूल जाती हूँ तो मन में ये निश्चिंत रहता है, सुकून रहता है कि गोपाल जी लड्डू के पास, हमारे माधव लल्ला के पास में तुलसी जी हैं, और उनको खुद को भी सुकून रहता है कि उनके पास तुलसी हर वक्त हर पल अवेलेबल रहती है। रात को भी ये कंगन इनके पहने हुए ही रहते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं वेट में तुलसी की माला के कंगन। तो यहाँ पर मैंने उनको बाल धारण कराया है, बालों में ग्लू टेक लगा हुआ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब मैंने उनको पगड़ी पहना दी है। पगड़ी पहनाने के बाद में अब हम इनका मोर पंख लगाएंगे। मोर पंख, बांसुरी, इत्र और आईना, ये चार चीज़ें हमारे माधव लल्ला के श्रृंगार में अभी बाकी हैं। मोर पंख के बिना कभी भी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार संपूर्ण नहीं होता है। मोर पंख लगाने के बाद ही इनका श्रृंगार संपूर्ण होता है। तो अब मैं इनका मोर पंख और बाकी जो भी है वो मैं कर लेती हूँ। तो हमारे माधव लल्ला का श्रृंगार देखिए, श्रृंगार करने के बाद में इनकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे माधव लल्ला, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर वीडियो में बताइएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हुए आपको दिखाती हूँ मैं इनकी आगे सेवा पूजा कैसे करती हूँ। तो देखिए, अब मैंने इनको भोग लगा दिया है।
और धूप दीप दिखा दिया है, फल अर्पण कर दिए हैं। सुबह मैं इनको मिश्री और दूध का ही भोग करवाती हूँ और यही भोग मेरे रूटीन में रहता है। यहाँ पर भोग लग गया है, इनकी पूजा हो गई है, मोर पंख भी धारण हो गया है, बांसुरी भी इनको इनकी राधा नाम की मिल गई है। तो इनका पूरा श्रृंगार प्रॉपर तरीके से हो चुका है और इनकी जो सुंदरता है वो आप देखिए। और इसी के साथ मैं आपको लक्ष्मी नारायण जी के भी दर्शन करवाती हूँ। इनका श्रृंगार बहुत अद्भुत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को लाइक और